फ्रेंड्स, बैक टू माय चैनल। तो मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं गोसे जा रही हूँ, क्योंकि गोसे डैम जो मैंने दिखाई थी मेरी एक वीडियोस में, उसमें 32 गेट्स दिखाई थी मैंने, बट तब वो गेट बंद था। तो अभी आज वो गेट खुला है, 32 गेट्स। तो मैं वही दिखाना चाहती हूँ कि वो खोलने के बाद में उसमें से पानी कैसे बहाव होता है, कितनी जोर मतलब तेज से बहाव होता है, यही दिखाना चाहती हूँ। तो चलिए मेरे साथ में हम देखते हैं साथ में मिलके कि 32 गेट्स जोड़ने के बाद में क्या रिएक्शन होता है। तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने आप सभी को बताई थी ना, 32 गेट्स है जो आज खुला गया है, मैं दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, 32 गेट्स छोड़ा गया है और पानी की उफान देखिए कितने जोर शोर से देखिए बह रहा है। ये देखिए, यहाँ अगर कोई गिर जाए तो उसे बचाना मुश्किल हो जाता है, इसीलिए यहाँ पे हाई अलर्ट भी किया जाता है, सभी को सावधान भी किया जाता है। बट लोग बाज नहीं आते, फिर भी देखिए वो लड़का देखिए बैठा हुआ है, फिर भी लोग अपनी हरकतें करना भूलते नहीं हैं और फिर प्रशासन को ही दोष देते हैं। ये देखिए लोग, देखिए आप देख पा रहे हैं, देखिए कितने सारे लोग किनारे पर बैठे हुए हैं, देखिए कहाँ से सेल्फी ले रहे हैं। तो देखिए मैं बैक साइड भी दिखाती हूँ, ये देखिए किस तरह से, ये देखिए देखिए फ्रेंड्स बहाव देखिए। लगातार 4 दिन से बारिश शुरू है यहाँ, देखिए लोगों की भीड़ भी बहुत है, बहुत भीड़ है, आवाजाही बहुत है। तो देखा ना फ्रेंड्स, 32 गेट खोलने के बाद में कितना पानी का बहाव आता है, उसे रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है। मुझे तो यहाँ पे खड़े रह रहे के भी बहुत डर लग रहा है, बट मेरे हस्बैंड, मैं यहाँ आती नहीं हूँ, ऐसे गेट छोड़ने पे बहुत ही कम आती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है। हर साल यहाँ पे कोई ना कोई हादसा होता ही है, कुछ ना कुछ होता ही है, क्योंकि सेल्फी के चक्कर में ही लोग अपनी जान गवा बैठते हैं। एनीवे छोड़िए फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नई एपिसोड के साथ में। मैं बस आपको गेट खोलना दिखाना चाहती थी, क्योंकि इसके पहले मैं दिखाई थी, मैंने गेट बंद ही दिखाई थी, तो आज मैंने दिखाया आप सभी को गेट खोलना। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।